हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे पेपर क्ले विद पेपर। अब पेपर के बहुत सारे टुकड़े करने हैं तो जल्दी से कर लेते हैं पेपर के बहुत सारे टुकड़े। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। टुकड़े हो जाने के बाद इसमें मिलाएंगे थोड़ा पानी। पानी इतना डालना है कि सारा कागज पानी में डूब जाए। पानी डालने के बाद इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और मैं चला सोने। बाय। अबे उठ, और कितना आराम करेगा तू। 24 घंटे बाद इसे पानी से निकाल लेंगे और फिर इसका इसे निकाल लेने के बाद अब लेंगे लाल कपड़ा जो मैंने चौराहे से उठाया है। इस पे डालनी है वो चटनी, मेरा मतलब वो कागज का पेस्ट। फिर कागज का कागज पर पानी का पानी कर देना है, यानी कागज से सारा पानी निकाल देना। सारे कागज के पेस्ट के साथ ऐसा ही करना है, तो जल्दी से कर लेते हैं। इतने में आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सारा पानी निकाल लेने के बाद इसे एक बर्तन में रखेंगे और इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। साथ ही बहुत सारे इसके अलग अलग टुकड़े कर लेंगे। सभी को अलग करने के बाद इसमें डालेंगे 3 चम्मच मैदा ताकि यह आटे की तरह आपस में जुड़ा रहे। और फिर करेंगे फेविकोल की बारिश। आई लव बारिश। फेविकोल के 6 से 7 चम्मच डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर आपको फेविकोल कम लगे तो इसमें और फेविकोल डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लगा इसलिए मैं इसमें और डाल रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रहा है? नहीं। अब इसमें डालना है थोड़ा सा तेल ताकि इसका कुछ बनाए तो हाथ पर या चिपके नहीं, और इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब हमारी तैयार है होममेड पेपर क्ले। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रुको जरा, सबर करो, क्योंकि इस पेपर क्ले से बनाएंगे बहुत मस्त आर्ट एंड क्राफ्ट। इसके लिए लेना है एक प्लास्टिक का गिलास और उसे कैंची से बीच में से काट देना है और इसमें क्ले डालनी है और क्ले को चारों तरफ थोड़ा थोड़ा फैलाएंगे और इस प्रकार एक छोटा सा गमला बना लेंगे। गमला बना लेने के बाद इस पे बुट से फेविकोल की हल्की सी परत चढ़ाएंगे जिससे दरारें भर जाए। फेविकोल लगा लेने के बाद इसको 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। और अब बनाएंगे गमले का ऊपर वाला पार्ट। इसके लिए क्ले को लेंगे और उसे आधा साइड में रख देंगे और आधा को लंबा कर उसमें एक डंडी लगाएंगे और डंडी के चारों ओर अच्छी तरह से गोल करेंगे। गोल हो जाने के बाद इसको साइड में रख देते हैं और इसके दो छोटे भाई और बनाने हैं। आपको बीच में लग सकता है कि नहीं बन रहा, टूट रहा है, छोड़ देते हैं, पर गिव अप नहीं करना, निरंतर लगे रहना है और एक बार टूटेगा पर यह सही भी हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है। अब तीनों को आपस में जोड़ देना है जैसे कि मैं जोड़ रहा हूँ। जहाँ जहाँ से यह टूटता रहे वहाँ वहाँ से आप हाथों हाथ सही करते रहिए। इसे पूरा कर लेने के बाद इसको फाइनल टच देने के लिए फेविकोल से इस पर लेप करेंगे और इसको भी 24 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। 24 घंटे बाद यह कुछ इस प्रकार दिखेगा और डिस्पोजल अपने आप कागज से अलग हो जाएगा। डिस्पोजल को सेट कर देने के बाद इसको अंदर लगा देना है। लगा देने के बाद यह कुछ इस प्रकार दिखेगा जो देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है। चलो अब इस पे कर लेते हैं कलर। तो सबसे पहले इस पे प्राइमर की एक पतली सी लेयर लगाएंगे और ग्रीन कलर जो कि मैं वाटर कलर यूज कर रहा हूँ और ऊपर का तना सारा हरा कर लेंगे। ग्रीन कलर सूख जाने के बाद इस पर हल्के भूरे रंग से डॉट डॉट करेंगे जो कि कांटे के रूप में काम करेगा। और इसके जो पॉट खाली बचा है उसमें रेत भर देंगे जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अब हमारा तैयार है पेपर क्ले से बना हुआ कैक्टस। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।